भाग दूसरा, चार अवगुणों का त्याग। भेदभाव, हों मैं, कृत की उपासना, अति खुशी, अति गम। चार अवगुणों का त्याग। चार अवगुणों का त्याग। पिछले भाग में हमने गुरबानी की रोशनी में पढ़ा है कि जो भी जिज्ञासु प्रभु परमेश्वर जी में अपनी आत्मा की समाई अभेदता प्राप्त करना चाहता है, उसको चार श्रेष्ठ गुण सत्, संतोष, शुभ विचार, श्रेष्ठ अमृत प्रभु का नाम का धारणी बनना बहुत जरूरी है। इन श्रेष्ठ गुणों को जीवन में अपनाए बिना प्रभु लीनता कठिन है। जहां चार श्रेष्ठ गुणों को अपने जीवन में अपनाने के लिए साहिबा ने गुरबानी में बार बार ताकीद की है, वहां चार ही अवगुण अर्थात अहंकार, भेदभाव, कृत की उपासना, अति खुशी में आपे से बाहर होना और अत्यंत गमी में गिरती अवस्था में जाने से रोका है। जो गुरु प्यारे चार श्रेष्ठ गुणों के धारणी बन जाते हैं, वह गुरु हुक्म में चारों ही अवगुणों का त्याग कर देते हैं। अपने जीवन को गुरु चाली अनुसार चलाना आरंभ कर देते हैं। सतगुरु जी ने ऐसे गुरु सिखों को धन्य कहा है, क्योंकि उन्होंने गुरबानी की संगत करके गुरु के उपदेशों को अपने जीवन में धारण कर लिया है। धन धन ते जन पुरख पूरे, जिन गुर सत संगत मिल गुण रवे। तुखारी महल्ला पंजवा, पृष्ठ 1114। ऐसी करने वाले गुरसिखों को सतगुरु अमरदास जी कितनी महानता देकर बार बार नमस्कार करते हैं। किसको? जो गुरसिख गुरु के हुक्म का धारणी बन गया है। तिस गुरसिख को हो सदा नमस्कारी, जो गुर के पाणे गुरसिख चलिया। श्लोक महला तीजा, पृष्ठ 593 की है, पंक्तियां हैं। कैसे हैं सतगुरु दयाल जी, हमारा भला भी करते हैं और मान सत्कार भी गुरसिखों को देकर निवाजते हैं। जिनका भला हो जाता है, सतगुरु नमस्कार भी उन्हीं को करते हैं। हैं इसके विपरीत, नमस्कार तो हमें अपने गुरु के चरणों में करना चाहिए, जिनकी कृपा और अगुवाई से हमें आर्थिक और परमार्थिक अमूल्य दातें प्राप्त होती हैं। इसलिए ही सतगुरु जी की नम्रता, गरीब निवाजता प्रति सिर झुकाकर लिखना पड़ेगा। तैं जय वड में नाही को, सब जग डिठा हम ढ। श्लोक शेख फरीद जी, पृष्ठ 1378। तथा गुर जैसा नाही को देव, भैरव महला पंजवा, पृष्ठ 1142। तथा जिन गुर सेव्या आपना, जमदूत न लागे डंड। गुर नाल तुलना लग गई, खोज डिठा ब्रह्मंड। श्री राग महला पंजवा, पृष्ठ 50। हे मेरे सतगुरु, मैं आपसे सदा सदा बलिहार जाता हूँ। जहाँ आप सच्ची अगुवाई और अमोलक नाम की दातें बख्शिश करते हो और बख्शिशें करके बिल्कुल भी एहसान नहीं जताते, बल्कि आप याचिका को भी सत्कार देते हो। इसलिए मेरे सतगुरा, हो तुद विठो कुर्बान, तेरे दर्शन को बलिहारणे, तुस दित्ता अमृत नाम। श्री राग महला पंजवा, पृष्ठ 52। सतगुरु जी धन्यता योग हैं, जो हमारे अवगुणों को मुक्त करना चाहते हैं। हम स्वयं उन अवगुणों की ओर देखें, जिनको सतगुरु जी ने गुरबाणी में बिल्कुल भी जगह नहीं दी और गुरसिखों को भी अपने हृदय में से सदा के लिए निकाल देने के लिए प्रेरित किया है। अध्याय 1, पहला अवगुण, वितकरा अर्थात नफरत। वितकरा अर्थात नफरत
चाहे किसी किस्म का हो, धनी की गरीब से, दाते की याचक से, कथित ऊंची जाति वाले को नीची जाति वाले से, पढ़े लिखे का अनपढ़ से, बलवान का दुर्बल से, सुंदर का कुरूप से, पुण्य का पापी से, सदाचारी का दुराचारी से और धर्मी का अधर्मी से क्यों ना हो। नफरत नफरत ही है। जिस हृदय में नफरत आ जाती है वहां द्वैत आ जाती है। जहां द्वैत आ गई वहां ईर्ष्या दुश्मनी ने भी अपने आप आ जाना है। जहां ईर्ष्या दुश्मनी ने आ डेरा लगाया है वहां धर्म की जननी दया पंख लगाकर उड़ जाती है और मनुष्य अहंकार की गोद में अधर्म के देश में पहुंच जाता है। जब अहंकार हृदय का मालिक बन जाए वहां नाम के टिकाऊ के लिए कोई जगह नहीं रहने देती। हृदय सूना हो जाता है। नाम विहीन सूने हृदय प्रति गुरु रामदास जी का फुरमान है। जिन हर हृदय नाम न बसेओ तिन मात की जय हर बांझा तिन सुंघी देहे फिर है बिन नावे ओ खप खप मुहे करांझा। जयश्री महल्ला चौथा पृष्ठ 697 की यह पंक्तियां हैं। हृदय को शून्य होने से बचाने के लिए झूर झूर कर मरने से तो वितकरे का त्याग करना ही भला है। इसलिए ही नफरत के त्याग के लिए सतगुरु जी स्वयं गुरबानी के पूर्णे डालकर हमारी अगुवाई करते हैं। जहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने 6 सतगुरु जी स्वयं गुरबानी रूप होकर विराजमान है, वहां साहिबा ने अपने बराबर 15 भक्त जो अलग अलग बिरादरियों फिरकों से संबंधित अलग अलग खितों में रहते अलग अलग कर्मों के धारणी थे उनकी अनुभवी वाणी को अपने बराबर बिना भेदभाव जगह दे दी। सिर्फ भक्तों को ही नहीं उस समय के आत्मिक खोजी जो जी दान की प्राप्ति के लिए कई साल साधुओं योगियों के डेरे में तीर्थ स्थानों पर भटकते रहे पर मन की संतुष्टि ना हुई, आखिर गुरु चरणों में जीवन दान प्राप्त कर नानक लीन पहो गोविंद सियो ज्यों पानी संग पानी की अवस्था प्राप्त की। उन्होंने अपने निजी आत्मिक अनुभवों को भी हमारी आत्मिक मंजिल को आसान करने के लिए गुरबाणी में दर्ज किया है। सतगुरु जी ने उन 11 भट्टों को भी अपने बराबर गुरु ग्रंथ साहिब जी में जगह दी है। सतगुरु जी की दरिया दिली की कोई सीमा नहीं। जहां अपने साथ भक्तों भट्टों को बराबरी बख्शिश की वहां 4 गुरसिखों जिनको सिखी सिखिया गुर विचार की कमाई की और गुरु की दृष्टि में मंजूर हो गए उनको भी अपने साथ बराबरता देकर ऐसा वितकरे का ऊंच नीच का भेदभाव मिटा दी जिसकी धर्म मंडल में कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती। प्रैक्टिकल तौर पर करके बता दिया कि वाकई अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन पले को मंदे लोगा परम न पूलो पाई खालक खलक खलक में खालक पूर रहो सब ठाई रहाओ। ये पंक्तियां प्रभाती कबीर जी पृष्ठ 1349-50 से ली गई हैं। प्रभु दर तो करनी प्रधान है। जीवन में करनी प्रधान वाले बाजी जीत जाते हैं। करनी के बिना तो फक्कड़ जाती फक्कड़ नाओ सब ना जिया इका छाओ। श्लोक महला पहला पृष्ठ 83। करनी प्रधान वालों को तो आत्मिक मंडल में ऐसी अवस्था मिल जाती है जहां जाकर सारे फर्क वितकरे सदा के लिए खत्म हो जाते हैं। जहां पहुंचकर कोई ऊंचा नीचा नहीं रह जाता वहां तो कायम दायम सदा पातशाही दोम न सेम एक सो आही। गौड़ी रविदास जी
पृष्ठ 345 की अवस्था बन जाती है। वहां तो सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मण सत सहस जैसे ओत पोत प्रभ सोई, ओत पोत प्रभ सोई। रहाओ आशा बाणी नामदेव जी की पृष्ठ 485 ही दिखाई देता है। पर धन्य हैं सतगुरु जी जिन्होंने इस संसार में विचरण करते अमली तौर पर कर दिखाया है, सब गोविंद है, सब गोविंद है। यह दृष्टि प्राप्त करने के लिए सबसे पहले नफरत की दीवार को गिराना पड़ता है। यह नहीं हो सकता कि प्रभु जाति संसार के भेदभाव किए जाए और निरंकार के देश से ब्रह्म वृत्ति प्राप्त होने की आशा भी रखनी चाहिए। संसार में विचरण करते हर ओर निरंकार का बर्ताव देखना है, बाबा फरीद जी वाली दृष्टि धारण करनी है। फरीदा खालक खलक मह खालक वसे रब माहे, मंदा किसनो आखी है जा तिस बिन कोई ना है। श्लोक शेख फरीद जी पृष्ठ 1381। भिखारी को नीच को देखकर ग्लानी नहीं करनी, उसमें भी मौला रब हमेशा स्वयं मौजूद है। उसकी ओर देखकर गुरु रामदास जी महाराज का फुरमान पढ़ना है। एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा, तो आपे दाता आपे भुगता जी, हाँ तुद बिन अवरे न जाना। राग आसा महला चौथा पृष्ठ 11। तथा सबको तुझ ही विच है मेरे साहा, तुझ ते बाहर कोई ना है। सब जी तेरे तू सबसदा मेरे साहा, सब तुझ ही माहे समाहे। धनाश्री महला चौथा पृष्ठ 670। नफरत करने की बजाय गुरु नानक पातशाह जी का फुरमान याद करना है। किसनो कही है नानका सब किच आपे आप। आशा जी दी वार महला दूजा पृष्ठ 475 की यह पंक्तियां हैं। सतगुरु ने स्वयं वितकरे का अभाव करने के पूर्णे डाले हैं। वितकरा अर्थात नफरत एक ऐसा मीठा जहर है जो आत्मिक खेती की जड़ें सुखा देता है। अगर जड़ें ही सूख जाएं, फिर पौधा कैसे फले फूलेगा। जहां सतगुरु जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी में सबको बिना जात पात देखे ऊंच नीच की दीवार गिराकर नस्ल कौम के बंटवारे को एक तरफ रखकर नफरत को गिराने के पूर्णे डाले हैं, वहां आत्मिक उपदेश देते हुए भी किसी जात नस्ल देश कौम से भेदभाव नहीं किया, बल्कि खत्री ब्राह्मण सूद वैश उपदेश चहुवर ना को सांझा। गुरमुख नाम जपे उधरे सो कल में है, घट घट नानक मांझा। सुही महला पंजवा पृष्ठ 747 की यह पंक्तियां हैं। सतगुरु जी तो सारे संसार को अपने आलिंगन में लेना चाहते हैं। सतगुरु जी सबका भला सोचते हैं। मन में कोई वितकरा नहीं कि जो हमारे मत के धारणी बने या हमारे उपदेश को माने उनका ही भला होना चाहिए। परमेश्वर जी को सामने संसार के भले के लिए ही हुई अरदास के शब्द जो सतगुरु जी ने गुरबाणी में उच्चारण किए हैं, ध्यान से पढ़ें सुने विचारें, कहीं इन शब्दों के ज्ञान को कोई कण मात्र हमारे हृदय में बस जाएं, गुरु के बख्शिश किए ज्ञान की तेज आंधी के सामने माया के प्रभाव के वितकरे टिक नहीं सकते। अज्ञान भ्रम जिस कारण यह फर्क वितकरा बना हुआ है, उस वितकरे अर्थात नफरत के छप्पर उड़ जाएंगे। पर कब देखो भाई ज्ञान की आई आंधी, सब है उड़ानी भ्रम की टाटी,
रहे न माया बांधी रहाओ। ये पंक्तियां गौड़ी कबीर जी पृष्ठ 331 से ली गई हैं। सतगुरु अमरदास जी ने तो प्रभु के चरणों में नफरत रहित संसार के भले के लिए अरदास की है। हे मालिक, संसार जल रहा है, ईर्ष्या द्वेष माया के प्रभाव में जल रहा है, आप अपनी कृपा करके संसार की रक्षा करो। जिस रास्ते जिस तरीके से भी कोई बच सकता है उसको बचा लो। कैसे विशाल उदार हृदय से सतगुरु जी ने अरजोई की है, जिसकी बराबरी कोई अवतारी पुरुष नहीं कर सका। साहिबा के वचन है, जलत जलंदा रख ले, अपनी कृपा तार, जित द्वारे उबरे तित्ते लेहो उबार। श्लोक महला तीजा पृष्ठ 853 की यह पंक्तियां हैं। साध संगत जी धन्य हैं, श्री गुरु नानक देव जी महाराज, जिन्होंने इस खतरनाक वितकरे को, जो प्रभु जात में अधर्मियों ने धर्म के पर्दे के नीचे डाला हुआ है, तलवंडी में रहते ही धर्म के आंगन से पहुंचकर बाहर फेंक दिया। लोगों में हाहाकार मच गई कि क्षत्रिय ऊंची जाति का नौजवान एक डोम मरासी के लड़के को साथ लिए फिरता है, जहां दोनों दिन रात इकट्ठे रहते हैं और एक पंक्ति में बैठकर भोजन खाते और प्रभु के गीत गाते हैं। भोजन ही इकट्ठे नहीं खाते, बल्कि क्षत्रियों का होनहार युवक उस डूम को भाई कहकर आवाज लगाता है। यहाँ तक ईर्ष्यालु कहते हैं कि इन्होंने धर्म वर्ण भ्रष्ट कर रखा है। पर जगत तारक ने कोई परवाह नहीं की, भाई मर्दाना जी को सारी आयु अपना भाई बनाकर साथ रखा और जगत तारने का भाई वाल भाई मर्दाना जी को बनाया। भाई मर्दाना जी ने भी श्री गुरु नानक देव जी का परछाई की तरह साथ निभाया। वैसे परछाई भी अंधेरे में साथ छोड़ देती है, पर मर्दाना जी ने हर मुश्किल दुख सुख तकलीफ भूख प्यास सहन करके जगत तारन सतगुरु जी का आखिरी सांसों तक साथ निभाया। सतगुरु जी ने इस वितकरे की जड़ को जड़ से ही उखाड़ना था, इसलिए सुल्तानपुर साहिब से पहली उदासी आरंभ करते ही पहला पड़ाव एक अन्य धर्मी कीर्ति के घर जाकर किया, जिसको लोग शूद्र कहकर तिरस्कार करते थे। वह कौन था? भक्ति के घर का मालिक भाई लालो। भक्ति के घर का मालिक भाई लालो जी अहमदाबाद शहर जाकर भाई लालो जी का घर ढूंढा, दरवाजे पर दस्तक दी, आवाज लगाई, भाई लालो क्या करता है? सामने से लालो ने उत्तर दिया, हजूर किले गढ़ता हूं। दोबारा प्रश्न हुआ, क्या सारी उम्र किले ही घड़े जाओगे? कभी मन को घड़ने का भी सोचा है? भाई लालो जी अनोखा प्रश्न सुनकर जल्दी से उठे, दरवाजा खोला, अगम्य नूरी जोड़ी को देखकर अपने आप शीश झुक गया, लगे दंडवत प्रणाम करने। सतगुरु जी ने प्यार से उठाकर छाती से लगाकर आशीषें दी। भाई लालो जी ने चारपाई पर खेस बिछाकर यथाशक्ति आदर दिया। शाम होने पर कोधरे की रोटी और साग का लंगर छककर गुण गावत रैण विहानी की कार की। अगले दिन फिर सारे शहर में हाहाकार मच गई। लोग एक दूसरे के कानों में भांति भांति की अफवाहें डालते थे कि देखो, इन अनोखे नानक तपे ने वर्ण आश्रम के भेद को मिट्टी में मिला दिया है। जहां मरासी जात के डूम कुछ साथ लिए फिरते हैं, वहां स्वयं ऊंची कुल का होकर शूद्रों के घर में जाकर बिना चौका बनाए सबके साथ इकट्ठी पंक्ति में भोजन खा लेता है। मौके के हाकिम मालिक भागो तक बात पहुंची, पर सतगुरु अपने सिद्धांत सच्चाई पर अडिग रहे। आखिर सबको सच्चाई तस्लीम करनी पड़ी।
सतगुरु अमरदास जी महाराज जी ने तो उसूल ही बना दिया, जिसने हमारे दर्शन करने हो सबसे पहले ऊंच नीच जात पाति का भ्रम त्याग कर संगत रूप में पहले पंगत अर्थात पंक्ति में बैठकर प्रसादा चखे, फिर उसको हमारे दर्शन होंगे। सबको हुक्म कर दिया पहले पंगत पाछे संगत। इस उसूल सिद्धांत पर इतने मजबूत होकर पहरा दिया कि अगर मौके का सम्राट भी दर्शनों को आया तो उसको भी कोई छूट नहीं दी। अकबर बादशाह ने पहले पंगत में बैठकर संगत के साथ लंगर छका, फिर साहिबा के दर्शन और वचन विलास किए। सतगुरु जी हमेशा संगत रूप में पंगत में बैठकर आहार करते थे। पांचवे पातशाह जी ने श्री हरमंदर साहिब जी की नींव सूफी मुसलमान फकीर साईं मियां मीर जी से रखवाकर और हरमंदर साहिब के चारों दिशाओं में दरवाजे स्थापित करके नफरत के भ्रम भूत को सदा के लिए नींद में सुला दिया। इंसान का इंसान से वितकरे के अलावा जो दिशाओं का वितकरा भ्रम बना हुआ था, एक मजहब वाला दूसरी दिशा से नफरत करता था, दूसरा पहले के अकीदे की गलानी करता था। एक कहता था दक्खन देश हरी का बासा, दूसरा कहता था नहीं यह गलत है पश्चिम अल्लाह मुकामा। सतगुरु जी ने दोनों को असलियत से भटके हुए बताकर फुरमान किया कि आप उस परमात्मा को एक दिशा में बताकर अपनी मूर्खता की प्रदर्शनी कर रहे हो। अगर अल्लाह एक मस्जिद के हुजरे में ही रहता है तो बाकी मुल्क में किसका निवास है? अल्लाह एक मस्जिद बसत है अवर मुलक किस केरा। दूसरों का कहना था कि परमात्मा मूर्तियों में निवास करता है। बाबा कबीर जी ने दोनों को ज्ञान बख्शिश किया और कहा कि तुम दोनों ही असलियत से मीलो दूर हो, तुम दोनों को ही असलियत की समझ नहीं आई। हिंदू मूर्त नाम निवासी दो मह तत् न हेरा। वाणी भगत कबीर जी पृष्ठ 1349। वह अल्लाह राम न दक्षिण में है न पश्चिम में कैद है, न मूर्तियों में निवास करता है, वह बिना नफरत हरेक के हृदय में टिका हुआ है। इसलिए अगर उसको प्राप्त करना चाहते हो तो दिशाओं का मनुष्य के साथ नफरत छोड़कर अपने हृदय में उसको ढूंढने का यत्न करो। तुम्हारा हृदय ही उस मालिक के रहने वाला घर है, इसलिए दिल में खोज दिले दिल खोजो एही ठोर मुकामा। वाणी भगत कबीर जी पृष्ठ 1349। वे परमेश्वर तो संतो घट घट रहा समायो, पूरन पूर रहो सरब में जल थल रमैया आयो। सोरठ महला पंजवा पृष्ठ 617 की ये पंक्तियां हैं। वह साईं तो तू सबनी थाई जिते हो जाई, साचा सिरजन हार जियो की सच्चाई वाला है। वह तो जल थल मैयल पूरिया रविया विच वणा, उसका निवास स्थान है। फरीदा खालक खलक मह खालक वसे रब माहे। श्लोक फरीद जी पृष्ठ 1381। खालक को खलकत में ढूंढना था, उसको प्राप्त करने के लिए हब समाणी ज्योत जियो जल घटाऊं चंद्रमा के धारणी बनना था, पर आपने ऐसे दिशाओं को इंसानों को जाति पाति को देश को बांटकर वितकरे की गांठें और मजबूत कर ली और कर रहे हो। एक दिन श्री गुरु हर राय साहेब जी ने फसल को काटने के लिए दुल्लट को भेजा। बांटते समय काफी जरूरतमंद मांगने वाले आ गए और अपनी जरूरत की पूर्ति के लिए दुल्लट से विनती की। काले दुल्लट ने सारे निकाले हुए दाने जरूरतमंदों को बिना वितकरे बांट दिए
और खुद खाली हाथ गुरु चरणों में वापिस आ गया। साहिबा के पूछने पर काले ने उत्तर दिया, पातशाह आप जी ने भी तो आए हुए अभ्यागतों को तो खिला देने थे, बल्कि पीसने पकाने की मुश्किल से बचे। गुरु हरि राय साहेब काले दुल्लट से बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दी, कैसी उदार वृत्ति साहिबा ने सिखों को बख्शिश कर दी थी। नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहेब जी ने तो इत्ती कर दित्ती उस धर्म के लिए, जिसके ना तो आप धार्मिक थे, ना ही उनकी रीतियों धर्म चिन्हों पर यकीन रखते थे। अजीज होकर आए फरियादियों को बिना किसी वितकरे के वहां पकड़ी और अपना बलिदान दे दिया। तिलक जंजू राखा प्रभता का, कीनो बड़ो कलू महसा का, साधन हेत इति जिन करी, सीस दया पर सी न उचरी का महान कौतक जग में करके ऐसी वितकरा रहित लाइनें खींची जिनकी संसार में कोई मिसाल नहीं मिलती। कलगीधर पातशाह जी ने तो प्रसन्न होकर वितकरा रहित गुरसिख भाई घनैया जी, जो आनंदपुर साहेब जी के चल रहे युद्ध में बिना वितकरे मुसलमान हिंदुओं सिखों को जल पिलाए जा रहे थे, सिखों के शिकायत करने पर हाजिर होने के लिए कहा। भाई कन्हैया जी ने सिखों की शिकायत के उत्तर में कहा, पातशाह जी जब से आप जी की शरण ग्रहण की है और आप जी के उपदेश का धारणी बना, तब से मेरी दृष्टि में आप ही सभी में मौजूद हो। आपके बिना मुझे कोई अन्य नजर ही नहीं आता। मैं तो आप जी को ही जल पिलाता हूँ। गुरुदेव जी भाई घनैया जी का उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और छाती से लगाकर अनेकों आशीषें दी और साथ ही मर्रम की डब्बी भी दी और हुक्म किया, भाई घनैया जहाँ तू हमें जल चकाता है वहाँ हमारे जख्मों पर मल्लम भी लगा दिया कर। साहिबा ने सिखों को संबोधित करके वचन किए, सिंघों समय आएगा ए भी आपनो पंथ प्रकाश है, बहु लोगन की कुबुद विनाश है, कैसे हैं कीना अर्थात वैर रहित सतगुरु जी, और धन्य हैं वे गुरसिख जो गुरु चाली अनुसार चलकर गुरु खुशी स्वयं प्राप्त करके जिज्ञासुओं के लिए प्रकाश स्तंभ का काम करते हैं। कलगीधर पातशाह जी ने खालसा साजने के समय तो वितकरे का खात्मा ही कर दिया, जो भी प्रेम की खेल खेलने के लिए सिर धर तली गली मोरी आओ की भेंट देकर आया, साहिबा ने उसको एक ही बाटे में से अमृत की दात बख्शिश करके खालसा लफ्ज देकर निवाजा। यहाँ ही बस नहीं कि जो सदियों से गुरु चेले का भेदभाव बना हुआ था, अपने सजाए हुए खालसा से स्वयं अमृत की दात प्राप्त करके गुरु चेले की अभेदता कर दे। तभी भाई गुरदास जी ने लिखा है, वह प्रगटेओ मर्द अगंबड़ा वरियाम अकेला, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला। ये पंक्तियां वार 41वीं से ली गई हैं। साहिबा ने गुरु चेले की दूरी ही नहीं मिटाई, बल्कि इतना मान और सत्कार दिया जिसकी उदाहरण संसार में कहीं नहीं मिलती। खालसे प्रति साहिबा ने फुरमान किया, इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, नहीं मोसे गरीब करोर परे। ज्ञान प्रबोध पातशाही 10वीं। खालसा साज कर खालसे में ही अपना निवास कर, खालसे की जोत से अपनी जोत मिलाकर, खालसे को अपना खास रूप कहकर सम्मान दिया और फुरमान किया, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हो करो निवास। सर्व लोह ग्रंथ से पंक्तियां ली गई हैं। जहां उपरोक्त बख्शिशें की, वहां सब कुछ सुख आराम धन संपदा परिवार पुत्र सरबंस अपना आप खालसे पर कुर्बान करके यह वचन किए, इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत लाख हजार।
खालसे को अपना पुत्र कहकर सम्मान दिया, जिसकी समता आज तक कोई अवतारी पुरुष नहीं कर सका। जब हम गुरबाणी द्वारा सतगुरु जी की विशाल दृष्टि को पढ़ते हैं तो इंसानी बुद्धि के पंख झड़ जाते हैं, क्योंकि मनुष्य के पास ऐसी समदृष्टि नहीं है। पर सतगुरु जी हमें ऐसी आत्मिक समदृष्टि पर पहुंचाना जरूर चाहते हैं, ताकि जो हम जीवों को भी सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई की लक्ष्यता हो सके। अगर कहीं संसार की मनुष्यता साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी और दसम पातशाह जी के उपदेशों और सिद्धांतों को सुनकर थोड़ा सा भी अमल करना आरंभ कर दे, भरोसे से कहा जा सकता है कि सब झगड़े खून खराबे होने बंद हो जाएंगे और गुरु का फरमान सब सुखा ली उठिया ए हो आहले मीराज जियो, श्री राग महल्ला पंजवा पृष्ठ 74 की पंक्ति लागू होकर संसार सुखी हो जाए। सब रोला गोला, ईर्ष्या, द्वेष, झगड़ा जो वितकरे के कारण ही हैं, भक्त जन जिन्होंने गुरु चाली के मार्ग पर चलकर असलियत को पहचान लिया, उन्होंने पुकार पुकार के हमें समझाने की प्रेरणा की है। हे संसार के लोगों, वह तो एक अनेक व्यापक पूरक जत देखो तत सोई, माया चित बचित्र विमोहित बिरला बूझे कोई, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, सूत एक मन सत सहस जैसे ओत पोत प्रभ सोई, रहाओ जल तरंग अर फेन बुदबुदा जलते पिन न होई, एहो पर पंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन न होई, मिथ्या भरम अर सुपन मनोरथ अत पदारथ जान्या, सुकृत मनसा गुर उपदेसी जागत ही मन मान्या, कहत नाम देव हर की रचना देखो हृदय बिचारी, घट घट अंतर सर्व निरंतर केवल एक मुरारी। ये पंक्तियां आशा बाणी नामदेव जी की पृष्ठ 485 से ली गई हैं। कलगीधर पातशाह जी की उच्चारण की अकाल उस्तत की बाणी से केवल 3 पौड़ियां ही पढ़ लें, वितकरे के लिए कोई जगह रह ही नहीं जाती, नफरत घृणा का अभाव हो जाता है। पढ़ो, को भयो मुंडे या सन्यासी, को जोगी भयो कोई ब्रह्मचारी, को जति अनुमान बो हिंदू तुरक, को राफजी इमाम साफी, मानस की जात सब एक पहचान बो, करता करीम सोई राजक रहीम ओई, दूसरो ना भेद कोई भूल भरम मान बो, एक ही की सेव सभी को गुरुदेव एक, एक ही स्वरूप सब एक है ज्योत जान बो। कितनी विशालता है। देहरा मसीत सोई पूजाओ निवाज ओई, मानस सब एक पे अनेक को भ्रमाओ है, देवता अदेव जच गंधर्व तुरक हिंदू, न्यारे न्यारे देशन के भेस को प्रभाव है, एक है नैन एक है कान एक है देह एक है थान, खाक बाद आतश ओ आब को रलाओ है, अल्लाह भेक सोई पुराण ओ कुरान ओई, एक ही स्वरूप सब है एक ही बनाओ है। और स्पष्ट करने के लिए कलगीधर पातशाह जी ने अपनी बाणी में निम्नलिखित उदाहरण देकर हमें एहो विस संसार तुम देख दे एहो हर का रूप है की लक्ष्यता कराने का यत्न किया है। जैसे एक आग के कनूरा कोट आग उठे, न्यारे न्यारे होए के फेर आग में मिलाहेंगे, जैसे एक धुर ते अनेक धुर पूरत हैं, धूर के कनू का फेर धूर ही समाहेंगे, जैसे एक नद ते तरंग कोट जत है, पान के तरंग सभे पान ही कहाएंगे,
तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रगट होए ताही ते उपज सभ्य ताही मैं समाहेंगे। उपदेश चारों वर्णों का साझा, उपदेश चारों वर्णों को साझा। पिछले प्रश्न में हमने गुरबाणी के इतिहास द्वारा सतगुरु जी की वितकरा रहित दृष्टि और हृदय की विशालता को पढ़ा है। जिस दृष्टि अवस्था का मालिक रूप आप है, सतगुरु जी सेवक को भी इसी दृष्टि का धारणी बनाना चाहते हैं। गुरु में अभेदता लीनता गुरु वाले गुणों के धारणी बनने के पश्चात ही मिलने हैं। अगर सतगुरु जी ने अपने हृदय में गुरबाणी में वितकरे को कोई जगह नहीं दी, तो हमें जिज्ञासु जनों को भी असलियत से दूर करने वाले वितकरे भ्रम का त्याग करना जरूरी है। इस तरह के वितकरे के त्याग पश्चात ही गुरु गोद में समाई संभव है।